हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीवीएस राइडर डायरी। सो फाइनली मेरा माइक जो आ चुका है, जो आईफोन से कनेक्ट होता है, वो आ चुका है। तो अभी आज है सैटरडे, लास्ट सैटरडे को मैंने वीडियो डाली थी, अभी मॉर्निंग हो चुकी है। तो मैंने आपसे वादा किया था लास्ट सैटरडे को कि अपना रूम दिखाऊँगा, तो अब आपको रूम दिखाऊँगा। रिकॉर्डिंग हो रही है आईफोन से, अब आईफोन की क्लैरिटी भी देखते हैं। मैंने सोनी का A6400 भी यूज़ किया है, अब मैं GoPro से भी यूज़ किया और बैठा हूँ। अब मैं थर्ड टाइम आईफोन से यूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ इसकी क्लैरिटी क्या है फ़ोन की, आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको रूम दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं रूम की दिखावट के लिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मेरा रूम है, ये मेरा एडिटिंग जहाँ पे मैं करता हूँ PC, यहाँ पे बैठ के मेरी सारी एडिटिंग होती है। और ये TV को कनेक्ट किया मैंने इसके साथ, और मेरे YouTube का लोगो आप सामने देख सकते हो, DVS Rider Diaries। सो इससे असेंबल किया हुआ है, पुराना रूम है काफ़ी, तो यहाँ पे बैठने के लिए पूरी जगह है। इसको मैं अभी पूरा सेटअप चेंज होगा थोड़े दिन बाद, तो मैंने जो आपको बताया था रूम के लिए, यहाँ पे एडिटिंग करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर हमने दोनों स्क्रीन में मैंने यूज़ करना है, तो ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपना, एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड करके आप ये दोनों स्क्रीन यूज़ कर सकते हो अपने दोनों तरीके से। तो मैंने एडिटिंग वगैरह करनी है और साथ में और कुछ भी काम करना है, तो दोनों स्क्रीन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज़, ये है पूरा ओवरऑल रूम, यहाँ से एंट्री है या बैठने के लिए, और जहाँ पे मेरे YouTube के गैजेट होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे YouTube के गैजेट सलमीरा में होते हैं, सामने देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने पड़ा हुआ है मेरे सोनी का A6400 का पूरी एसेसरीज़, और अपनी GoPro की पूरी एसेसरीज, इसमें मेरे माइक वगैरह, लैपटॉप वगैरह, जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो मैंने यहाँ पे रखी होती है। तो ये पूरा सेटअप मेरा गैजेट का ही है, जो मैंने ब्लॉगिंग के टाइम पे यूज़ करने होते हैं। और गाइस, ये आप सामने देख सकते हो, बैग वगैरह यहाँ पे पूरे फिक्स किए होते हैं। आपने जैसे देखा, यहाँ से मेरे रूम की एंट्री है, और एंट्री एक बैक साइड से भी होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से पूरा चेंज करने का क्या हो रहा है। जो मैंने आपको दरवाज़ा बताया वो वहाँ से एंटर होगा, और ये लेंटर पड़ रहा है दो रूम का, आप देख सकते हो। इसमें भी टाइम लगेगा, इसकी जो फिनिशिंग होगी वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, अभी दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। जस्ट अभी लेंटर पड़ेगा, वहाँ से दरवाज़ा निकलेगा, तो ये मेरा पूरा यूट्यूब का सेटअप बन जाएगा अंदर की तरफ। ये तो बाद में दिखाऊँगा आपको वीडियो, जस्ट आपको बताने के लिए कि मेरे यूट्यूब का जो रूम बनेगा अलग स्टूडियो, वो यहाँ पर बनवाऊँगा मैं। सो गाइस, ये जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्रीन के बारे में, इस स्क्रीन को मैं दूसरे तरीके से भी यूज़ करता हूँ, विंडो और पी दबाइए। आप जैसे आप PC पे यूज़ करना चाहते हो तो PC से भी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये स्क्रीन जो वगैरह ऐसे है, जिसमें डुप्लीकेट करता हूँ तो जो ये स्क्रीन यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पे भी चलेगी। तो ये बेनिफिट है मुझे इस चीज़ का कि अगर अलग एंगल से कुछ देखना है तो मैं देख सकता हूँ। ये पूरी अभी का सेटअप है जो मेरा पुराना है, जो नेक्स्ट सेटअप होगा वो मैंने आपको पीछे दिखाया कि जो भी सेटअप मेरा रहेगा YouTube स्टूडियो में पीछे बनाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से दरवाज़ा निकलेगा, देन उसके पीछे पूरा सेटअप बनेगा। ये काफ़ी पुराने रूम है, दैट्स व्हाई सोच रहे हैं इसमें चेंज किया जाए थोड़ा सा। सो गाइज, ये मैंने छोटी सी वीडियो आपको दिखाई अभी अपने रूम की, जो पुराना रूम है मेरा, जो सेटअप चेंज होगा उसकी वीडियो भी आपको दिखाता रहूँगा आगे। तो गाइज़, कैसी लगी आपको वीडियो? नॉर्मल सी वीडियो थी, छोटी वीडियो थी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन्होंने अभी मुझे फॉलो नहीं किया है, धर्म.v91 पे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो थी हमारी आईफोन से, तो इन फ्यूचर ऐसा है कि मेरे को सोनी A6400 जो कैरी करने में काफ़ी दिक्कत रहती है, तो मैं चेक कर रहा था कि अगर मैं अपने आईफोन से वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरे को ज़्यादा सामान लेने में दिक्कत होती है, तो मैं इससे भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मॉर्निंग हुई है, तो अभी नहाएंगे, आगे की जर्नी देखेंगे कि क्या करनी है। अभी सैटरडे है, वैसे कोई प्लान नहीं अभी तक, पर जैसे ही कोई प्लान बनता है तो आपको वीडियो दिखाता रहूँगा अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ। तो गाइज़, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से धर्मवीर सिंह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।